चावल की दाल एक छोटा सा पीस और है रखो। और है और है, रुको, कुछ हुआ आपको? कुछ हुआ, दर्द हो रहा है? दर्द हुआ नहीं हो रहा है ना, ये तो बस ये निकल जाए। एक छोटा सा पीस है, नहीं मारूंगा आपको इंजेक्शन आपके बिना। बेटा सीधा किधर देखो, मैं इधर। नहीं 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 बाबा, कुछ नहीं, कुछ नहीं, मैं इधर। नहीं कुछ नहीं हो रहा है, ये देखो। लाया ही नहीं, लाया ही नहीं, लास्ट। ये देखो यार कितना ज्यादा हो रखा है इसका। यहां देख तो एक बार, यहां देख, देखो। डर नहीं लग रही फिर भी? बच्चे नहीं कह दे रहा है फिर भी। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल हीना संजय वर्दिया ब्लॉग में, और मैं उत्तराखंड के बेहद ही खूबसूरत जिले पिथौरागढ़ से करती हूँ ब्लॉगिंग। और आज के ब्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है, मॉर्निंग के बज रहे हैं 10 o'clock, और मैं जा रही हूँ दक्ष को लेके। कहाँ जा रही हूँ दक्ष? पहले बताओ कहाँ जा रही हूँ। दो मिनट नहीं हुए चले गए और बोल रहा है गोदी उठाओ। सुनो सुनो, पहले बात सुन लो, आओ इधर तो आओ। गोदी में नहीं उठाऊंगी, त्रिशूल लूंगी आपके लिए। अच्छा सुनो फिर, चलो चलो इधर आओ। सुनो पहले बता दो कि हम हॉस्पिटल क्यों जा रहे हैं, तब उठाऊंगी। चलो बताओ, जल्दी बताओ क्यों जा रहे हैं हम हॉस्पिटल। दिखाने के लिए। क्या दिखाने, क्या दिखाना है? दिखाने में दाना है, यहाँ पे दांत है। दाना हो रहा है मम्मा, और इसने फंसा लिया कान के अंदर चावल का दाना, तो मुझे इसको कान वाले डॉक्टर के पास लेके जाना है और इसका चावल का दाना निकालना है बाहर। और देख लो अभी कुछ ना कुछ खुरा पाती है और कुछ ना कुछ करते ही रहता है बस। नहीं गोदी तो बिल्कुल भी नहीं लग गई मुंह पे। खुश आ जाओ फिर। क्या करके आना, आओ जल्दी आओ। हॉस्पिटल तो हम लोग टाइम से पहुंच चुके हैं, लेकिन डॉक्टर ही नहीं है। देख सकते हो आप लोग भी, हॉस्पिटल सरकारी हॉस्पिटल का यही रहता है हाल, है ना दक्षु? हाँ। क्या करना है आपको? चलो। क्या चलो लाल। कहा घर में उछल कूद वाला बच्चा है, यहाँ गोदी में आया है। यहाँ गोदी चाहिए गोदी चाहिए गोदी उतर जाओ नीचे। डॉक्टर को मैंने दिखा दिया है दक्ष को, अब हमने पर्चा काट के जाना है ओडी में, और दक्ष का होने वाला है कान का ऑपरेशन। ओए की तो हॉस्पिटल में भी मस्ती हो रही है, आओ जल्दी। अभी नींद लग रही होगी ना, थकान। अब क्या हो रहा है जरा बताना तो, जरा एक्टिंग हो रही है, गंदा बच्चा। डॉक्टर ने एक घंटे का बोल के हम 2 घंटे से करने हैं वेट। मैं तो वेट कर रही हूँ चलो जैसे तैसे भी, लेकिन इसने जो है इसने मुझे कर दिया है बहुत ज्यादा परेशान। क्या हुआ? क्या तुम जा रहे हो? जाओ फिर अकेले, देख लो नीचे को कितना अंधेरा है, ये भी देख लो कितना अंधेरा है ना, कैसा खुखार हो रहा है ना। जाओगे नीचे? नहीं। जाओ जाओ, पता नहीं डॉक्टर 2 घंटे तो हो चुके हैं, कितने घंटों के बाद आएगी। कहाँ जाना था? घर चले जाएंगे तो आपके कान से चावल कौन निकालेगा? आप। अब से डालोगे कान के अंदर चावल? कैसे फंसा है फिर कान के अंदर चावल, ये बताओ पहले। बताओ कैसे फंसा है? तलाओ, तलाओ पहले आप। क्या करो? जाओ पहले आप घर, पहले घर चलते तब बताऊंगा। घर चले जाएंगे तो फिर वो कौन निकालेगा चावल का? तो नहीं बताऊंगा मैं। क्या नहीं बताओगे? बस आने वाली है डॉक्टर, अब थोड़ा सा वेट करो। नहीं थोड़ा सा भी नहीं करूंगा मैं। थोड़ा सा करो ना, आने वाली है बस, आने वाली है। बताओ तुम्हें डर नहीं लग रही है? बिल्कुल भी नहीं डर लग ही नहीं रही है। ये चावल की दाल, एक छोटा सा पीस और है रखो। और है मैंने और है, रुको, कुछ हुआ? दर्द हो रहा है? दर्द हुआ नहीं हो रहा है ना, तो बस निकल जाए। एक छोटा सा पीस है, नहीं मारूंगा आपको इंजेक्शन आपके बिना। बेटा सीधा किधर देखो, मैं इधर। नहीं नहीं बाबा, कुछ कुछ नहीं, मैं इधर। नहीं कुछ नहीं हो रहा है, ये देखो। सीधा रहो ना एक बार,
इतने चावल के दाने, इतने छोटे छोटे चावल है। चावल का दाना पता नहीं कैसे डाल दिए इसने, पता नहीं। आप कहाँ रही रहते हो? हैं? नहीं नहीं नहीं, एक छोटा है और है मैम। फाइनली फ्रेंड, आप लोगों ने देखा होगा चावल के कैसे छोटे छोटे टुकड़े निकले। और इसने दर्द हुआ था क्या आपको? कितना दर्द हुआ था? थोड़ा सा। इसको मैम ने बहुत डांटा। कितना डांटा था मैम ने? वहाँ तो ऐसे डर रहा था ना, ये मैं बता नहीं सकती हूँ। अभी बन रहा है शेर। लाया ही नहीं। ये देखो यार, कितना ज्यादा हो रखा है इसका। देखो, डर नहीं लग रही फिर भी? नहीं कह दे रहा है फिर भी? नहीं लग रही डर? तो आपको लेना है कुछ? लेना है बताओ। क्या लेना है जल्दी बताओ। कुछ नहीं लेना है। वो छोटा वाला ले लो, वो ज्यादा अच्छा लग रहा था। कौन सा चाहिए आपको? दिखाओ, आ जाओ फिर चलो। पैसे भी देने होते हैं, इधर दिखाओ पहले आंटी को। कौन सा ये पसंद आया? घर, और घर पहुंच के इतने सारे कपड़े जो थे सूख चुके थे, तो ये उठा लिए। और दवाई तो देख सकते हो, इसमें तो फिर भी कम है। यहाँ तो मेरा भरा पड़ा है दवाइयों से। अब करते हैं थोड़ी देर रेस्ट। आप ब्रेव फ्रेंड, देख सकते हो आप, खतरनाक बारिश पिथौरागढ़ में। बाप रे, कहाँ से आई मम्मी इतनी खतरनाक? ये क्या बेटा? रुक गई उधर पे, जाओ ये वाला पानी साफ करने। चलो भाई, हमारी मोटी मम्मी सफाई कर रही है हमारी। मैं मोटी मम्मी हूँ क्या? नहीं नहीं, पतली हो। आप क्यों कह रही हो फिर मोटी मम्मी सफाई कर रही है? ये है भाई महारानी है। अच्छा, वो आपकी महारानी है? ये है बारिश, बारिश मौसम की आ रही है। कितनी आंधी आ गई ना? हाँ, पूरा घर गीला गीला हो गया। भाई करो भाई, कब भाई आइया? चलो गाइस, ऊपर नीचे घुमाओ। किसके ऊपर? ऐसे छोला हूँ। खुद को मार रहे हो इस त्रिशूल से? खुद को थोड़ी ना मार रहा। किसको मारोगे फिर? नकली त्रिशूल है ये, असली होता।
आज पिथौरागढ़ का मौसम हो चुका है एकदम ठंडा ठंडा कूल कूल, और बाहर सफाई वफाई करके चाय वाय पी के मस्त कर चुके हैं हम लोग रेस्ट। तो आज के व्लॉग को करती हूँ यहीं पे एंड। आई होप आप लोगों ने आज का व्लॉग एंजॉय किया होगा। अगर आपको मेरा आज का व्लॉग पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कमेंट, और जो भी चैनल पे न्यू है यार चैनल को कर देना सब्सक्राइब। कल मिलते हैं आपको फिर एक न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।